Hello friends, in this video we are going to study about the topic tokens in C language. Now let's see the definition. Tokens are the smallest building blocks or the smallest unit of a C program. यानी कि जो टोकन होता है वो C program का सबसे छोटा पार्ट होता है. Now it may be word comma punctuation, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, like if else or void or main and punctuation, यानी कि कोई सिंबल भी हो सकता है, like comma, semicolon, colon. Now six supports six type of a token. The first is identifier, second is keyword, third is constant, fourth is string, fifth one is operators, and sixth one is special type of a symbol. So these are the tokens जिसमें से हम इन सब के छोटे छोटे definition हैं वो पढ़ेंगे. So these are the C language tokens. Now let's see the first definition of tokens, that is identifiers. So what are the C identifier? Let's see the definition. Identifiers are the names given to entities such as constant, comma variable, comma structure, comma function, etc. An example mein humare paas hai int si and float midtemp. Iska matlab jo identifier hota hai wo kisi bhi entity ka naam hota hai. And entity is the name of anything. Just like a noun, जैसे noun होता है, noun is the name of anything, वैसे ही entity होता है. तो entity is the name of anything, और कुछ भी हो सकता है, जैसे constant हो सकता है, variable हो सकता है, किसी structure का नाम हो सकता है, या फिर function का नाम हो सकता है. Example में int si, तो int si में हमारा जो si है, वो क्या है, एक identifier है, और जो temp है, वो एक identifier है. And int and float are the data type. तो ये सब जो नाम है उसको बोलते हैं identifier. इनके कुछ rules भी होते हैं जिसको मुझे follow करना होता है programming language पढ़ने से पहले. Now let's see the rules for naming the identifier और rules for identifier होता क्या है. Now let's see the rules of identifier. तो हमारे पास कुछ रूल्स अवेलेबल हैं जो कि मैं यूज करूंगा वेरिएबल नेम को लिखने से पहले, वो माइंड में आने चाहिए. कौन कौन से हैं? द पॉइंट नंबर फर्स्ट इज दे आर केस सेंसिटिव, यानी कि आइडेंटिफायर यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है. इसका मतलब अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट, यानी कि मैंने स्मॉल ए लिख दिया और कैपिटल ए लिख दिया तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल को बताएंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मस्ट नॉट कंटेन अ वाइट स्पेस. तो वेरिएबल नेम जो है वो वाइट स्पेस नहीं रख सकता, यानी कि अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया, अगर मैं बीच में स्पेस दे दिया तो वो अलाउड नहीं है. तो वाइट स्पेस जो है वो अलाउड नहीं होता. नाउ द थर्ड वन इज मस्ट बी यूनिक. और वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो वेरिएबल का नाम जो होता है वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी मेमोरी लोकेशन के नेम को. और जो मेमोरी लोकेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है. इसलिए जो वेरिएबल का नाम है वो यूनिक होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट कॉमा स्पेशल सिंबल बट अंडरस्कोर इज अलाउड, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से, और स्पेशल सिंबल से भी नहीं होना चाहिए, जैसे हैज़ हो गया, एट द रेट, स्टार हो गया, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए. बट अंडरस्कोर इज़ अलाउड, लेकिन जो अंडरस्कोर है वो आ सकता है, क्योंकि अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल होता है वो अलाउड होता है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डिजिट कम स्पेशल सिंबल कैन बी कम आफ्टर द वेरिएबल नेम. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिजिट है, स्पेशल सिंबल है, वो आ सकता है वेरिएबल नेम के बाद में, यानी कि मैंने किसी वेरिएबल का नाम रख दिया, उसके बाद यदि 1 2 3 4 या फिर कोई भी सिंबल लगाना है तो वो आ सकता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम, यानी कि हमारे पास टोटल 32
टू कीवर्ड होते हैं जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, उनका नाम मैं नहीं रख सकता क्योंकि वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अगर मैं उनका नाम किसी वेरिएबल का नाम रख दिया तो हमारे प्रोग्राम में एरर मैसेज आएगा, इसलिए मैं उसको रख नहीं सकता। तो दीज आर दी रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अभी इसका मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी दी एग्जांपल ऑफ रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें मुझे चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट पॉइंट इज इंट ए इज इक्वल टू 10। अब ये किसी भी वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सो इट इज़ अ करेक्ट। नाउ इंट ए अंडरस्कोर इज इक्वल टू 10, अंडरस्कोर इज अलाउड, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए वो भी करेक्ट है। नाउ इंट ए स्टार इज इक्वल टू 10, यानी कि जो स्पेशल सिंबल है वो बाद में आ सकता है, दैट इज़ करेक्ट। नाउ इंट इंट इज इक्वल टू 10, इंट इज़ द रिजर्व कीवर्ड और ये किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ फॉल्स। नाउ इंट एट द रेट इंट इज इक्वल टू 10, किसी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ फॉल्स। इंट फ्लोट इज इक्वल टू 10, अब ये जो फ्लोट है वो रिजर्व कीवर्ड है, वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ फॉल्स। इंट माई इज इक्वल टू 10, माई इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल एंड स्टार्ट विथ अल्फाबेट, सो इट इज़ अ करेक्ट। इंट हैज़ एम इज इक्वल टू 10, किसी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल सिंबल से नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ फॉल्स। नाउ इंट void इज इक्वल टू 10, void इज़ द रिजर्व कीवर्ड एंड इट कैन नॉट बी द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, सो इट इज़ अ फॉल्स। इंट एड अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 10, अभी अंडरस्कोर ए जो होता है अंडरस्कोर से किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो सकता है, सो इट इज़ अ करेक्ट। इंट ए अंडरस्कोर 10 ये भी अलाउड है। इंट ए वाइड स्पेस 10, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मैंने दे रखा है तो ब्लैंक स्पेस बीच में नहीं आ सकता किसी भी वेरिएबल के, सो इट इज़ अ फॉल्स। इंट 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 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है इंट अगर मैं एक बार लिखता हूँ तो रिजर्व कीवर्ड होता है, लेकिन अगर मैं दो बार लिख दिया तो किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है क्योंकि ये जो वर्ड है वो रिजर्व कीवर्ड में नहीं है, सो इट इज़ अ करेक्ट। इंट इंट फ्लोट इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने इंट और फ्लोट दोनों को एक साथ में लिखा है, सो इट इज़ अ करेक्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट अ रिजर्व कीवर्ड। अगर मैंने दो रिजर्व कीवर्ड को एक साथ में लिख दिया तो क्या हो जाता है, वैलिड नेम हो जाता है जो कि रिजर्व कीवर्ड नहीं रह पाता हो, क्योंकि वो सिंगल ही रिजर्व कीवर्ड है और आपस में आके वो किसी वेरिएबल का नाम हो जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स।